हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह। आज हम चैप्टर 2 मोमेंट्स ऑफ द अर्थ के एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सिस, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द बॉडी ऑफ अ बॉडी अराउंड विच द बॉडी अपीयर टू स्पिन। ये हेवनली बॉडी, जो चूँकि अर्थ एक हेवनली बॉडी है और इसके हाफ पार्ट से जो ये इमेजिनरी लाइन जाती है और जिस पर ये अर्थ जो है मूव करती है, ओके, ऐसे मूव करती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिल्टेड, नॉट स्ट्रेट, स्लोपिंग, स्लैंटिंग एंड स्लाइडिंग वन साइड। टिल्ट मतलब क्या होता है? कि जैसे अर्थ जो है, ओके, अर्थ जो है सीधा न होकर के अपने एक्सिस पर, अपने एक्सिस पर ऐसे झुकी होती है, ओके, ऐसे झुकी होती है। और इस झुकाव को हम क्या बोलते हैं? कितने डिग्री होती है इसका झुकाव? 23.5 डिग्री सन के पैरेलल ये इसका टिल्टेड होता है। ऑर्बिट, ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या होता है? जैसे ये सन है और सन के चारों तरफ जब अर्थ मूवमेंट करती है, ओके, यहाँ पर ये अर्थ है, ये सन है, ये सन है, ओके, और ये अर्थ है, ओके, अर्थ के चारों तरफ ये जब मूवमेंट हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, द ऑफ अर्थ काज डे एंड नाइट। इसके द्वारा डे एंड नाइट होता है, तो सही आंसर है रोटेशन, ओके। रोटेशन क्या होता है? जब अर्थ अपने एक्सिस पर मूव करती है उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। इज द पीरियड बिटवीन नाइट एंड डे लाइट एंड इज द पीरियड बिटवीन डे लाइट एंड नाइट। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट में डॉन, ओके, जब सुबह रात बीत जाती है और दिन होने वाला आता है उस समय को हम क्या बोलते हैं? डॉन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, और नेक्स्ट में होगा डे लाइट एंड पीरियड बिटवीन डे लाइट एंड नाइट, यानी जब दिन डूबने वाला होता है और रात होने वाली होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डस्क, यानी जो गोधूली वाला आता है उसको हम क्या बोलते हैं? डस्क बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ राउंड द सन इज कॉल्ड, अर्थ के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन, ओके, रिवोल्यूशन होता है। द आर रिवर्स बिटवीन नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ अर्थ एक्सिस। फर्स्ट में होगा सीजन, सीजन्स, और सेकेंड में होगा टिल्टेड, ओके, यानी जो सीजन है अर्थ के टिल्टेड होने से ये नॉर्दर्न साउदर्न में अपोजिट होते हैं, ओके। मैच द फॉलोइंग, अब आते हैं मैच द फॉलोइंग। स्प्रिंग एंड ऑटम में क्या होता है? हैव प्लीजेंट वेदर, ओके, दोनों समय चूँकि बराबर होते हैं, ना ही गर्मी पड़ती है ना ही सर्दी पड़ती है, इसलिए ये प्लीजेंट मौसम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग नाइट्स एंड शॉर्ट डे किस समय होता है? ड्यूरिंग विंटर, ओके, ड्यूरिंग विंटर में लॉन्ग नाइट्स, लंबी रात होती है, छोटा दिन होता है। लीव चेंज कलर स्टार्ट फॉलिंग, यानी कलर चेंज कर देते हैं पत्तियाँ और गिरना शुरू हो जाते हैं, तो ड्यूरिंग ऑटम, यानी पतझड़ वाले मौसम में पत्तियाँ कलर छोड़ देती हैं और दूसरा
वो गिरना शुरू हो जाते हैं। साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर इन, साउदर्न हेमिस्फीयर में समर कब होता है? दिसंबर में होता है। ओके, ये था आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। इन द जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस, जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन होता है? तो जून में होता है समर। ओके, क्या होता है? समर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ विल कंप्लीट 5 रिवोल्यूशन राउंड सन इन 5 रिवोल्यूशन, यानी 5 चक्कर कितने साल में लगाती है, कितने दिन में लगाती है? तो इसका आंसर होगा 5 ईयर। ओके, चूंकि एक साल में एक चक्कर होता है 365 दिन में, तो 5 ईयर में 5 राउंड हो जाएगा। ड्यूरिंग समर वी एक्सपीरियंस, समर में हम क्या अनुभव करते हैं? लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून लास्ट इन इंडिया बिटवीन, मानसून भारत में कब आता है? जून टू अगस्त। ओके, जून टू अगस्त में मौसम मानसून सीजन आता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब आपको आंसर बताना है। व्हाट आर टू मेन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, दो मूवमेंट क्या होते हैं? देयर आर टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। नाउ रोटेशन, व्हाट इज रोटेशन? द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस कॉल्ड रोटेशन, यानी अर्थ जो है अपने एक्सिस पर जब मूव करती है, ओके, ऐसे मूव करती है, इसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। ओके, दूसरा होता है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन क्या होता है? जैसे यहाँ पर सन है, और इसके अलावा आप देखेंगे ये उसका ऑर्बिट है, अर्थ की ऑर्बिट है, और यहाँ पर अर्थ है। ओके, तो जब अर्थ एक चक्कर लगाती है सन का, इसको हम क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन। तो आंसर क्या होगा इसका? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर डे नाइट कास्ट एक्सप्लेन विथ हेल्प ऑफ डायग्राम, डे एंड नाइट्स कैसे होते हैं? वाइल रोटेटिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ फेस सन, द पार्ट ऑफ द सन अर्थ फेस द सन एक्सपीरियंस डेज, वाइल द अदर साइड विथ फेस अवे फ्रॉम द सन इज डार्क एंड एक्सपीरियंस नाइट। यानी जिस तरफ दिन होता है, सॉरी, जिस तरफ सन का फेस होता है उस तरफ दिन होता है, और जिस तरफ सन का फेस नहीं होता है वहाँ पर रात होती है। ओके, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सन है। ओके, इस डायग्राम के द्वारा आप समझते हैं, यहाँ पर अर्थ जो है ऐसे होती है। ओके, समझ गए? और सन की जो लाइट है वो इस तरह से पड़ती है, यहाँ पर तिरछी पड़ती है, तो यहाँ पर क्या होगा? डे होगा। क्या होगा? डे होगा। और जहाँ पर सन की लाइट नहीं पड़ती वहाँ पर क्या होगा? नाइट होगा। ओके, जैसे ही सन ये अर्थ फिर रोटेट करेगी ऐसे, तो ये वाला हिस्सा आगे आएगा तो यहाँ पर दिन हो जाएगा, और फिर यहाँ पर रात हो जाएगी। इस तरह से ही डे नाइट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काजेज सीजन, ड्रा डिटेल डायग्राम एक्सप्लेन। सीजन कैसे होते हैं? मोस्ट प्लेसेज ऑन द अर्थ एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन इन ईयर, नेमली स्प्रिंग ऑटम एंड विंटर। दीज सीजन आर कॉज्ड बाई द रोटेशन रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड टिल्टेड इन द अर्थ एक्सिस। डायग्राम से हम समझते हैं कि सीजन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे ये अर्थ का ऑर्बिट है, यहाँ पर सन है। ओके, ये अर्थ का पोजिशन है, एक पोजीशन यहाँ पर, एक पोजीशन यहाँ पर, एक पोजीशन यहाँ पर, और ये यहाँ पर। ओके, अब आते हैं सन की जो डायरेक्ट लाइट पड़ती है। ओके, ये आप देखेंगे ऐसे ऐसे
ऐसे है और फिर यहाँ पर ये इसका एक्सिस ऐसे है, ओके, ये एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि सन की डायरेक्ट लाइट पड़ती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर क्या होता है, समर होता है, ओके, क्या होता है, समर होता है, और यहाँ पर ना साउदर्न हेमिस्फीयर पर डायरेक्ट सन का लाइट पड़ता है तो इस कारण से यहाँ पर विंटर होता है, यस विंटर होता है, और यहाँ पर दोनों तरफ बराबर होता है तो इस कारण से एक तरफ ऑटम होता है और एक तरफ स्प्रिंग होता है, ओके, ये सिंपल डायग्राम है, बुक में दिया हुआ है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। राइट अ कपल सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द फोर मेन सीजन्स। फोर मेन सीजन कौन कौन से हैं उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं स्प्रिंग। ड्यूरिंग स्प्रिंग ट्रीज स्प्राउट न्यू लीव्स एंड फ्लावर ब्लूम आफ्टर द कोल्ड विंटर मंथ्स। बर्ड्स बिल्ड नेट्स, द वेदर इज माइल्ड एंड प्लीजेंट। नेक्स्ट सीजन ऑटम। इन ऑटम लीव्स चेंज कलर एंड स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज। डेज एंड नाइट्स आर ऑफ द सेम लेंथ, द वेदर इज प्लीजेंट। नेक्स्ट समर। द समर मंथ आर हॉट एंड ड्राई, द डे आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट। इन मेनी प्लेसेस रिवर एंड लेक्स रन ड्राई। नेक्स्ट सीजन विंटर। इट इज वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर इन मेनी प्लेसेस। स्नोफॉल ट्री लूज ऑल देयर लीव्स, द डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स लॉन्ग। ओके, विंटर में दिन जो होते हैं छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है। अब यहाँ पर देखिए एक कंप्लीट टेबल करिए। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है तो विंटर सीजन में इसका अपोजिट क्या होगा, विंटर होगा। ओके, ठीक इसके अपोजिट होते हैं साउदर्न में ऑटम होते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, स्प्रिंग होगा। ओके, स्प्रिंग होगा। नेक्स्ट सीजन साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, विंटर होगा। ओके, नेक्स्ट सीजन स्प्रिंग, साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग है तो यहाँ पर ऑटम होगा। ओके, तो ये आपका टेबल है। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।